भीमताल का ये गेट है जो पहाड़ी रीति रिवाजों से बना गया है। पहाड़ी बाघली दिखाई गई है और रंगोली पिछौड़ा पहन के लोग खिड़की से बाहर दिखाए गए हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो हम लोग पहुंच गए हैं वंश्री आश्रम में। तो हम लोग अपना नया ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वंश्री आश्रम में है तो नए आश्रम में जा रहे हैं। अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें, ज़्यादा जितनी जानकारी हमें मिलेगी उतना हम आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। तो यहाँ बैठते हैं महाराज जी। महाराज जी आजकल कहीं गए हुए हैं, तो महाराज जी की गद्दी है ये। देखिए महाराज जी की गद्दी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत तमन्ना थी यहाँ आने की। ये है महाराज जी, वनखंटी महाराज। ये है वनखंटी महाराज। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, नीरज ने भी करा था ना भागवत यहाँ। वनखंडी महाराज वैसे महाराज जी का आश्रम वहाँ हेड़ा वो है, वनखंडी आश्रम है। वैसे इससे बड़ा हुआ बड़ा आश्रम सात ताल में है उनका, और लेकिन यहाँ भी है एक आश्रम। सात ताल तो हम गए नहीं बारिश की वजह से, तो महाराज जी यहाँ भी रहते हैं। आजकल महाराज जी कहीं गए हैं बाहर, श्रीलंका गए हुए हैं, तो हमने दर्शन कर लिए हैं। वो जहाँ रहते थे। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और महाराज की जय हो, वनखंडी महाराज की जय हो, वनखंडी महाराज की जय हो। अब हम प्रसाद लेते हैं और हम अपनी दूसरी यात्रा में निकलते हैं। इधर से हम प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद ले लो बेटा। ये था भीमताल वाला वनखंडी महाराज का आश्रम। तो वनखंडी बाबा जी तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ के दर्शन कर लिए। वनश्री आश्रम, वनश्री आश्रम। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं विनायक में। अभी पहले मैंने आपको चीता मंदिर अल्मोड़ा के गुलजू का मंदिर दिखाया था, गुलजू महाराज का। फिर मैंने आपको घोड़ाखाल गुलजू महाराज का मंदिर दिखाया। अब है ये विनायक के गुलजू महाराज। तो यहीं से गुलजू महाराज घोड़ाखाल के लिए गए थे, भैया ने बताया हमको। और यहाँ की बहुत महिमा है, तो हम आए हैं विनायक के गुलजू महाराज के दर्शन करने के लिए। चलो आपको भी दर्शन कराते हैं, पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं हम लोग। तो बहुत महिमा सुनी थी हमने इनके बारे में, तो आज हम इनके दर्शन करने पहुंच गए हैं यहाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसी थे? तमन्ना थी बहुत? बहुत ज़्यादा तमन्ना थी गुलजू महाराज मिलने की। अब मैं पूजा करती हूँ। अब कैमरा लेंगे अंकिता शर्मा, ये लीजिए। गुलजू के हाथ तो नहीं बनती ना फोटो, कैसे बनाती? ये धुनी है। ये मंदिर बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, अभी यहाँ कोई है नहीं शायद। तो बहुत अद्भुत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। ये बहुत प्राचीन मंदिर है माना जाता है।
घर में जो गुरुजी देवता लेके गए हैं, बोलते हैं कि विनायक से ही उनको लेके गए थे, तो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत मंदिर है। तो पहले हम यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, फिर हम अपनी दूसरी यात्रा में निकलते हैं। तो हमने कर लिए विनायक के गोलियों देवता के दर्शन और हमें बहुत खुशी हुई। इस बार हमने तीन तीन गोलियों मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और जय गोलियों महाराज। तो ये है सूखा ताल। सूखा ताल का मतलब है कि ताल सूखा हुआ है, इसलिए इसको सूखा ताल कहते हैं। इसमें पानी कम रहता है, पानी सोखता है ना अंदर ही अंदर, वो फिर आगे झरने के रूप में बहता है। तो ये ताल पानी सोख लेता है और अंदर ही अंदर रहकर झरने में मिल जाता है, तो इसीलिए इसको सूखा ताल बोलते हैं। और ये ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है आपको, हिडम्बा मंदिर की दिखाई दे रही है। वहाँ जाना था हमने, बाबा जी नहीं है तो हम दूसरे आश्रम होके आ गए बाबा जी के। ये कौन से है? ये अभी जाएंगे बुद्धि राजा का बहुत। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सात ताल बुद्धि राजा का, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी सात ताल बहुत बड़ा है, चलो वही आके देखते हैं। तो सात ताल है, सात कोने बोलते हैं, एक राम का कोना, सीता का कोना, लक्ष्मण का कोना, सात कोने बोलते हैं सात ताल में। क्या होता, क्या है सात ताल में? सात ताल में जब हमने बोटिंग करी थी पिछले साल, हम गए थे अपने कॉलेज से, तो उन्हें बोलते हैं एक राम जी का कोना बोलते हैं, एक लक्ष्मण जी का, एक सीता जी का, ऐसे करके सात कोने हैं। सात कोने हैं सात ताल में। हम तो पहली बार, तीसरी बार आए। गरुड़ ताल देख के आते हैं हम और आपको भी दिखाते हैं। सब आगे आगे को जा चुके हैं और उसके बाद हम सात ताल जाएंगे, तो आपको सात ताल दिखाएंगे। ताल तो सुना था बहुत हमने, सात ताल नकुचिया ताल, लेकिन देखा नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि कितने ताल हैं यहाँ। और सूखा ताल भी देखा हमने अभी और नकुचिया ताल भी देखा। तो गरुड़ ताल भी देख के आते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे सात ताल देखने के लिए। इधर जंगल, जंगल को कहाँ जा रहा है? अच्छा उधर है, उधर सामने ताल है। और इतना घनघोर जंगल है ना ये, बहुत ज़्यादा हो तो भैया लेकर आ गए, नहीं तो हमारे बस की कहाँ थी अकेले जाना। तो धूप आ रही ना, वहाँ तो थी सुनसान एरिया, तो हम इस साइड आ गए, यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, सब आ रहे पीछे से। ये देखिए, ये है गरुड़ ताल। नाम सुना था कि इतनी ताले हैं, आज देखी हमने कि इतनी सारी ताल है। तो ये है गरुड़ ताल, यहाँ शूटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले। हाजी, किसकी शूटिंग हुई थी? कैंडी की, कैंडी पिक्चर की शूटिंग हुई थी, मौनी रॉय आई थी, जिसमें मौनी रॉय आई थी। भैया ने बताया हमको, हमको तो क्या जानकारी है ऐसी। तो निकिता फोटो खिंचाने लग गई थी। ये देखो, तो हमने देख लिया गरुड़ ताल। कैसा लगा आपको गरुड़ ताल देख के? ठीक ही लगा मुझे, बहुत सुंदर लगा। यहाँ से अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ पे। और ये ना बहुत चकंदर है, ये जितना दिखाती है ना इतनी सीधी नहीं है। ये देखो देखो देखो, दो भाई बहन लड़ रहे। ये कैमरे के आगे से ना ये दो भाई बहन कुछ करके बोलते वालते कस नहीं है। ये देखो, दस हो गया, आप इनको ज्यादा मत करो। तो अब हम लोग चल दिए सात ताल को। अंकित, तो भैया ने बहुत जानकारी दे दी हर्षित को। हर्षित को इतना ज्ञान हो गया है कि कोई भी हर्षित से सात ताल, गरुड़ ताल, सूखा ताल, जो भीमताल के बारे में जानकारी है पूछ सकता है। हर्ष, आपको ज्ञान हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जानकारी नहीं, सेक्शन में बहुत सारे कमेंट करना, हर्षित सबका रिप्लाई करेगा। हाँ, हर्षित बताएगा सबके। ये देखो, इतना गुस्सा आ रहा ना बात करने में इसका, बहुत ज़्यादा। ये सारी जानकारी हो गई। हाँ, भैया ने कहा था हमसे यहाँ से आना, तो सारे वहाँ खड़े हुए हैं। तो देखो, हम सात ताल पहुँच गए हैं। इसके ब्लॉग मैंने पहले भी डाले हैं। ये देखिए, अभी हम नीचे को जा रहे हैं, बहुत नीचे जाके आते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग सात ताल।
दिखाते हैं आपको कैसा है इसका। तो चाय कॉफी मैगी पराठे बिल्कुल आ जाएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे हमें। तो देखिए ये गीतांजलि ये वाला ये के आना है आपको, हमें जहाँ पसंद आएगा भैया हम वहाँ जाएंगे, जो हमको बुलाएगा नहीं उसके यहाँ जाएंगे हम। तो यह है सात ताल, इसमें सात कोने हैं शायद, इसलिए इसको सात ताल कहते हैं। सात कोने हैं इसलिए इसको सात ताल कहा जाता है। जैसे ये राम जी का कोना, मतलब जब बोटिंग कराते हैं हाफ बोटिंग होती है, हाफ बोटिंग करते हैं राम जी के ताल में, लक्ष्मण जी का दिखाते हैं, सीता जी का दिखाते हैं, हाफ बोटिंग करते हैं। आपने फुल बोटिंग करनी ताल है, सात कोने, सात कोनों को ही ताल कहते हैं, सात अलग अलग ताल है। तो ये सात ताल है, देख लीजिए आप लोग बोटिंग करने जा रहे हैं सब लोग। क्या हुआ? क्या हेलो वो भी यही है, तो यहाँ वो चल रहा है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लो पकड़ो जल्दी से मम्मा, वो भी यही है बेटा, ये भी इधर ही जाएंगे मम्मा। तो यहाँ से सात ताल की बोटिंग स्टार्ट होती है, तो ये देखिए बोटिंग होती है और राम ने सात ताल बहुत घूम लिया है, अब ज़्यादा सात ताल घूमने की इच्छा नहीं रह गई है इनकी, थक गए हैं क्योंकि ये लोग हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बोटिंग के बराबर ही हो रही है ये, इसमें जिसमें हम चल रहे हैं ना ये भी बोटिंग के बराबर हो रहा है। तो ये सात ताल है, ताली है यहाँ और क्या देखना है, इसमें सात कोने हैं इसलिए इसको सात ताल कहते हैं। बाबरे डर भी लग रहा मुझे चलने में। तो ये है सात ताल का नज़ारा, मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ इसमें इसके अंदर भी जाते हैं, उसके अंदर भी जाते हैं। वो देखो हर्षित को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, हर्षित खा रहा है चाउमीन, पूरी प्लेट चट कर दी हर्षित ने, हर्षित इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। बेचारा निकिता को कोई नहीं दे रहा, सिर्फ तो ये आ गई है पकौड़ी, देखिए हमारी गर्म हो रही बहुत ही ज्यादा, मैंने खाए आइसक्रीम ही चाहिए, पेमेंट करना है, गर्म है रे यार, अनियन रिंग्स। तो गए अब हम फिर से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खाए ना खाए ठंडों में जाके ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। देखो दिखाओ, ओ हेलो, मैंने कुछ भी मेरे पूजा कहां गया, मेरे मुझे मैं तेरे सामान पे सामान है, मुझे नहीं पता कैसी लग रही है, मुझे नहीं पता, देख मस्त स्टोरी, मस्त आइसक्रीम खाने का मौसम ऐसे हल्द्वानी में हो रहा, तो यहाँ भी हम खा लेते हैं क्योंकि बहुत सारी आइसक्रीम बिक रही है यहाँ पे, लेकिन मस्त हो रहा है।